नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार सबसे पहले बांग्लादेश से आया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने 17 नवंबर 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की, जिसमें फैसला लिया गया कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दुनिया में अगले 40 साल में 4000 से अधिक भाषाओं के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत विविध संस्कृति और भाषा का देश रहा है। 1961 की जनगणना के मुताबिक भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 1365 मातृभाषाएं हैं, जिनका क्षेत्रीय आधार अलग अलग है। अन्य मातृभाषी लोगों के बीच भी हिंदी दूसरी भाषा के रूप में लोकप्रिय है। छोटे भाषा समूह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते हैं तो वह एक से अधिक भाषा बोलने समझने में सक्षम हो जाते हैं। 43 करोड़ लोग देश में हिंदी बोलते हैं, इसमें 12% द्विभाषी हैं, 82% कोंकणी भाषी और 79% सिंधी भाषी अन्य भाषी भी जानते हैं। हिंदी मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम की प्रमुख भाषा है। फिजी की सरकारी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने के पीछे का मकसद है कि दुनिया भर की भाषाओं और संस्कृति का सम्मान हो। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का प्रचार प्रसार करना है और दुनिया में विभिन्न मातृभाषाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में जो भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, उनमें अंग्रेजी, जापानी, स्पेनिश, हिंदी, बांग्ला, रूसी, पंजाबी, पुर्तगाली, अरबी भाषा शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 79 भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 69 भाषाएं हैं जो विश्व भर में बोली जाती हैं। इनमें से 90% भाषाएं बोलने वाले लोग 1 लाख से भी कम हैं। भारत की बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के बीच की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं के विकास पर अधिकतम ध्यान दिया गया है। इस नीति में सुझाव दिया गया है कि जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। वहीं लुप्त हो रही भाषाओं के संरक्षण के लिए लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना लागू की गई है।